मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और आप सबको जो गौ माता के इस गौशाला के संचालन किए, जो भी आपने, चाहे किसी ने अपनी श्रद्धा से 1 रुपया दिया है, चाहे किसी ने अपनी श्रद्धा से 1 करोड़ रुपये दिया है, श्रद्धा से दिया हुआ धन बराबर होता है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस प्रकार से आप सब ने मुझे आशीर्वाद देकर आप सब की सेवा करने का जो मौका दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसके लिए आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार चुनाव से पहले मैंने आप सबको एक बात कही थी कि मैं राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए, आपका वकील बनकर आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं राजनीति करने आया हूं, मुझे इस पद से जो भी कोई फाइनेंशियल सरकार की तरफ से मिलेगी वो आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। और उसी के अनुरूप जो मेरे को 2 महीने हो गए विधायक बने हुए, 3रा महीना जारी है, तो सरकार ने मेरे खाते में 1 महीने की तो तनख्वाह डाल दी 1,60,000, और एक मेरे ख्याल आज नहीं तो तड़के डल जाएगी, चेक बना पड़ा, मैंने पूछा था, और 44,000 रुपये का एक कोई भत्ते वत्ते होया करे उसका चेक भी बना पड़ा, वो भी कल परसों मेरे खाते में आ जाएगा। तो कुल मिला के 3.5 लाख रुपये आपके दी हुई ताकत का आपकी तनख्वाह मेरे खाते में आ ली है। और मैंने आपको चुनाव से पहले कहा था कि मैं 1 रुपये का भी कोई सरकारी लाभ नहीं लूंगा, आराम होगा, ये तनख्वाह आपकी है और आपके आज्ञा से, आपके आदेश से इस तनख्वाह को गौशालाओं में दान करने की बात हुई थी आप सब से। तो ये अपने हलके की 4 गौशाला हैं, एक गौशाला मैं और जिसमें हर महीने में चारा देता हूं, जब कहो तो उसने भी जोड़ लियो, ना चारा में बांट लियो, मर्जी आपकी। तो 3.5 लाख रुपये 2 महीने का मेरा आज लिया, समझो तड़के परसों आ जाएगा, उसका जो चेक बनेगा आपके हिस्से का, एक तो वो चेक आपको मैं आज भर के आपके हवाले करूंगा। विधायक बनकर नहीं, आपका अपना बेटा और आपका पारिवारिक मेंबर होने के नाते और मेरे महम की गौशाला का एक हिंदू धर्म होने के नाते मैं गौ माता के लिए अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं। आज ये धार्मिक कार्यक्रम है, गौशाला का कार्यक्रम है, गौ माता के लिए आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, राजनीतिक बातें भी मैं बीच में कर गया, लेकिन काल की बात करनी है, तड़के कई पत्रकार साथियों ने भी पूछ लिया था, मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डाल भी देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं इस प्रकार के लोगों से कम अब सावधान रह के उन्हें समझाने की कोशिश करो, हलवा खुआ कर जा बतेरा हो लिया, शांति दे इस मैम 24 में जो भाईचारा परंपरा रही है, एक ताकत रही है मैम 24 को, उसको हम पूरी तरह, जब वो बीच में थोड़ा खराबा आ गया था उसने हम जोड़ के उसी बनावांगे जिस पहले थी। तो मैं अपनी तरफ से तनख्वाह तो थारी थी उसमें तो मेरा क्या मैं सही नहीं, तो उसने मैंने को वहां थरता ही दे दी, वहां तक थारी थी तनख्वाह गौशाला में बढ़ जाएगी। अपनी तरफ से एक छोटी सी आहुति 1 लाख रुपए की ओर दूं
और यह मना नहीं कि दिन मान जाओ एक साल पाछा आओगी संक्रांत तो बीच में भी आने रहूंगा, लड़ाई करता रहूंगा, यह शुरुआत से